नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएए नियमों के लागू होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया, हमने कहा था कि हम सीएए कानून को लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो प्रताड़ित शरणार्थी आएंगे, हम उन्हें नागरिकता देंगे। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के कारण सीएए कानून का विरोध करती थी। लाखों लोग अपना धर्म बचाने के लिए इस देश में आए, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको नागरिकता देकर उनको सम्मान देने का काम किया है। शाह ने आगे कहा, हमने दूसरा वादा किया था कि हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर देंगे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर चलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त कर दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। कांग्रेस ने मंदिर नहीं बनाया और जब इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया तो वोट बैंक की लालच में इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया।